नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 17 फरवरी फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आज के दिन आपको क्या करना है खास? बड़ों का आशीर्वाद तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ के साथ मिठाई और 2 गुलाब के फूल आपने मंदिर में ज़रूर चढ़ाने हैं। चावल का दान बेहद ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन साथ के साथ अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप सहायता करें, उन्हें सहयोग दें, तो आपके कर्म अच्छे होते हैं और साथ के साथ आपके ग्रह भी संतुलित होते हैं। तो आपने ये कार्य आज के दिन ज़रूर करना है। बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, छोटों को प्यार ज़रूर करना है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से। ग्रहों की बात भी करेंगे, यानी गोचर की बात करेंगे। राशियों का हाल होगा, लकी अक्षर लकी विजेता भी होगा, लेकिन पहले हाल गोचर का, ट्रांजिट का, यानी ग्रहों का। सूर्य कुंभ राशि में 4 डिग्री के हैं, अस्त शनि के साथ। चंद्रमा धनु राशि में है, 21 डिग्री के हैं। मंगल वृष राशि में है, 21 डिग्री के हैं। बुध मकर राशि में है, 14 डिग्री के रहेंगे। गुरु 15 डिग्री के हैं। स्वराशि मीन राशि में है, लेकिन यहीं पर शुक्र भी एंटर कर चुके हैं, यानी शुक्र उच्च के हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के हैं, 2 डिग्री के हैं, गुरु के साथ हैं और गुरु की ये स्वराशि है। शनि कुंभ राशि में है, 4 डिग्री के हैं, सूर्य के साथ हैं। पिता और पुत्र दोनों एक साथ हैं और शनि अस्त चल रहे हैं और ये इनका अस्त जो है 5 मार्च तक रहेगा। राहु मेष राशि में 13 डिग्री के हैं, केतु तुला राशि में 13 डिग्री के हैं। अक्षर की बात करेंगे, लेकिन पहले हाल हमेशा की तरह राशियों का। पहली राशि एरीज मेष राशि वालों, आज आपका मन तो वैसे शांत रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी खास कार्य में आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। कोई नया काम है, कुछ पेपर वर्क है, ये सारी चीज़ें आज के दिन आप कर सकते हैं। पुराने मित्रों से भी अचानक मुलाकात हो सकती है, कोई एक अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, पुरानी बीमारी की चपेट में आप फिर से आ सकते हैं। धन व्यर्थ में खर्च होगा, जमीन से जुड़ा हुआ विवाद हो सकता है। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में नरमी लाएं, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। घर का बदलाव आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फैसले आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, संतान को लेकर के कोई महत्वपूर्ण निर्णय, इम्पॉर्टेंट फैसला आज के दिन आप ले सकते हैं। पुरानी चली आ रही बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है, धन की समस्या आपकी समाप्त होगी। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप भी आज कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात करते हैं, परिवार में कुछ गलत फहमी बढ़ सकती है, काम पूरा हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी अड़चने आ सकती हैं, गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें, वह रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गो, प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, माता जी से दूरियां बढ़ सकती हैं, मन आज के दिन आपका थोड़ा सा विचलित हो सकता है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। तुला की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हमारे लकी विजेता की। आज के दिन कौन है लकी विजेता जिनकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी? गुरदीप सिद्धू, इन्होंने अपनी डिटेल नहीं डाली है, लेकिन इन्होंने प्रश्न डाला है, जॉब चाहिए, पढ़ती हूँ बहुत,
पर किस्मत साथ नहीं देती। गुरदीप जी, अगर आप डिटेल डालते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, आपको मैं प्रश्न कुंडली के हिसाब से कहें या फिर आपके नाम राशि के हिसाब से मैं आपको कुछ सुझाव देती हूँ। गुरदीप के नाम से अगर हम देखें तो मकर राशि बनती है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं, और शनि जो है वो अपनी राशि जस्ट अभी बदल ही चुके हैं, और ये कुंभ राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में गए हैं, और मूल त्रिकोण राशि में शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये बात अलग है कि शनि 5 मार्च तक अस्त भी रहेंगे, लेकिन फिर भी शनि आपको फायदा देने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि से चलते हैं तो शनि धन भाव में बैठे हैं, यानी दूसरे भाव में। अगर काल पुरुष से चलते हैं तो भी धन भाव में बैठते हैं, ये 11 नंबर में बैठ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आपको बहुत अच्छी जल्दी जॉब भी मिल जाए। आप एक शनिवार को सरसों के तेल का दिया ज़रूर आप शनि मंदिर में या फिर पीपल के नीचे जलाना शुरू कर दीजिए, और एक कांसे की कटोरी लीजिए, उसमें तेल भरिए, उसमें एक सिक्का डालिए, और अपने चेहरे को पूरा छाया पात्र इसे कहते हैं, इसे चेहरे को देख करके वो तेल जो है किसी भी शनि का दो दान मांगने के लिए आते हैं उन्हें दे दीजिए, नहीं तो आप इसे ले जा कर के शनि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो आप इस उपाय को लगातार हर शनिवार करते रहिए, बहुत जल्दी आपके लिए संभावनाएं बना देंगे शनिदेव। सो गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप हमारे लक्की विजेता बने, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आप वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाइएगा, और इस चैनल के बारे में ज़रूर बहुत सारे लोगों से साझा कीजिएगा, और हाँ हर दिन राशिफल के साथ ज़रूर जुड़ा करें, और अपने प्रश्न जो हैं आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ अच्छे अच्छे आप कमेंट्स कोटेशंस ये सब भी डाल सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा धन ना दें आज के दिन, अपने गुस्से के ऊपर खास करके काबू रखें, मेहनत थोड़ी आज के दिन आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, ज़रूरी काम आज के दिन टाल दीजिए, धन का लेन देन ये भी आज के दिन नहीं कीजिएगा, और अगर बहुत ज़रूरी है करना है तो किसी अपने घर के बड़े सदस्य को साथ लेकर के जाएं, जिम्मेदारियों से नहीं भागें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून, मैरून रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, दिल से नहीं ज़रा दिमाग से फैसला लीजिएगा आज के दिन, अपने मन के अंदर जो थोड़ी उथल पुथल मच रही है इसे थोड़ा सा शांत करने का प्रयास कीजिए, अपनी गलतियों की ओर थोड़ी सी आज के दिन नज़र दौड़ाइए। हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई अड़चने जो आपका पीछा करती हैं, आज कहीं ना कहीं आपको ये सहूलियत मिल सकती है, आज कहीं ना कहीं आपको कुछ फेवर करते हुए ग्रह मिल रहे हैं, तो आज के दिन अपने ऊपर विचार कीजिए, जो गलतियाँ हुई हैं उनसे थोड़ा सा सीख लीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, आपकी मेहनत का फल आज के दिन आपको मिलेगा, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं हैं, घर से दूर जाने की संभावनाएं, हो सकता है कारण आपकी नौकरी ही हो सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सुनहरा, सुनहरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति आज के दिन रह सकती है, अपना काम ज़रा मन लगा करके करने का प्रयास कीजिए, अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि मीन राशि यानी पाइसियन, भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, बच्चों की ओर से खास करके कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। अक्षर, कल का अक्षर, कल है 18 फरवरी, शनिवार का दिन है, लकी अक्षर है आपका ठ, ठ अक्षर का प्रयोग आपने कल के दिन करना है। काले रंग के पेन से आपने इस अक्षर को एक कागज के ऊपर लिखना है, दिन भर आपने इस अक्षर को साथ रखना है,
अगली सुबह सूर्य उदय के बाद में नहा धो करके आपने इस अक्षर को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख देना है। दिन आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी से भरा हुआ होगा और कोई नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं करेगी और आपके काम भी बनेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ आते हैं, कल भी सुबह 6 बजे हम आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।